नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर स्पीड न्यूज में। अग्निपथ स्कीम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीनों सेना अध्यक्ष की समीक्षा बैठक की। राहुल गांधी का बर्थडे आज, जन्मदिन पर किसी तरह का उत्सव न मनाने की कार्यकर्ताओं से की अपील। पटना में स्पाइस जेट के विमान की आग लगने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, सवार सभी 185 यात्री सुरक्षित। यूपी के गांव तक पहुंचा अग्निपथ योजना का विरोध, चंदौली के आलमपुर में फूंकी गई जीप। अमृतसर में भारत पाक बॉर्डर पर दिखा ड्रोन, बीएसएफ ने फायरिंग की जिसके बाद वापस लौटा ड्रोन। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी मैनेजमेंट टीम की बैठक, अहम मंथन के आसार। मैनपुरी में भाजपा अनुसूचित वर्ग के जिलाध्यक्ष को देर रात मारी गई गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन का असर, पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में 362 ट्रेनें की गई रद्द। मुंबई के बोरीवली में बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर लगी आग, 14 लोगों को किया गया रेस्क्यू। त्रिपुरा में बाढ़ से 10,000 से अधिक लोग बेघर, 39 राज शिविरों में ली गई शरण। एसीबी ने जल संसाधन अधिकारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा, एसडीओ समेत 3 गिरफ्तार। लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कंटेनर सफारी की टक्कर से 4 लोगों की मौत। यूपी के अलीगढ़ में अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन लगातार, अब तक 9 कोचिंग संचालक किए गए गिरफ्तार। देश में कोरोना के 12,899 नए मामले आए सामने, पिछले 24 घंटे में 15 संक्रमितों की मौत। काबुल पर आतंकी हमले के बाद भारत ने अफगानिस्तान के 100 से ज्यादा सिख हिंदुओं को दिया भारत का ई वीजा। असम में बाढ़ से तबाही, 32 जिलों में 31 लाख आबादी हुई प्रभावित, हजारों गांव जलमग्न, अब तक 62 लोगों की मौत। हरदोई में किसान का बेटा बना जिला टॉपर, प्रदेश में मिला 10वां स्थान, डॉक्टर बनने का है सपना। ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगा एक और बड़ा झटका, पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ भी हुए चोटिल। दक्षिण अफ्रीका के उपकप्तान केशव महाराज ने राजकोट में खेली गई कार्तिक की पारी की सराहना, कहा कार्तिक एक शानदार फिनिशर के रूप में उभरे। हार्दिक पांड्या ने एमएस धोनी को अपनी कामयाबी का दिया श्रेय, कहा उनके सुझाव ने मुझे एक बेहतर खिलाड़ी बनने में की मदद। विश्व रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ 1 विकेट दूर है भुवनेश्वर कुमार, टीम साउदी को पीछे छोड़ने का है मौका। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने एथनी लुक में ढाया कहर, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटोज। दीपिका पादुकोण और प्रभास की अनबन की खबर निकली अफवाह, तबीयत खराब होने की वजह से शूटिंग में हो रही देरी, एक्ट्रेस दीपिका को हैदराबाद के अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिल्म चमचेरा से रणबीर कपूर का लुक हुआ लीक, खौफनाक डकैत का अवतार देख फैंस हुए एक्साइटेड। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 अब नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मचाएगी फिल्म धमाल।